नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे श्रद्धा और आफताब से। देखने को मिल रहा है कि श्रद्धा के इस केस में किस तरह से आफताब फंसता तो चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं बचने की कोशिश भी कर रहा है, या कोई ना कोई ऐसा जो उसे बचाने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इस केस के उन सबूतों की जो अभी भी आफताब के साथ उन पर खुलासा कर रहे हैं, जिस पर कोई शक ही नहीं कर रहा, यानी कि हम बात कर रहे हैं आफताब के परिवार की। आफताब का परिवार क्या इस केस में पूरी तरीके से शामिल है, हाँ या नहीं, अभी तक इसका कोई भी जवाब पुलिस के पास नहीं है। हालांकि शक तब किया गया जब आफताब का परिवार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा था, क्योंकि आफताब के परिवार ने शिफ्टिंग भी की। अब यहाँ पर शक जग जाहिर हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि आफताब ऐसा कदम उठा सकता है। आफताब कभी भी श्रद्धा की जान ले सकता है, और ये बात खुद श्रद्धा अपने मुंह से कबूल चुकी है। इस बारे में हम जानकारी लेंगे और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि आखिर कैसे और कब श्रद्धा ने इस बात को कन्फेस किया था, किस तरह उन्होंने ये बात बताई कि आफताब का परिवार सब कुछ जानता है। तो इस बीच हमारे साथ मौजूद है नित्या मैम, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या और इस केस में ऐसी चीज़ें हैं जो हम जान नहीं पा रहे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच साक्षी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि श्रद्धा के इस केस में श्रद्धा का जो परिवार है वो बार बार इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आफताब का परिवार, जिस पर श्रद्धा के परिवार ने भी आरोप लगाया था, यानी कि श्रद्धा के पिता का ये कहना कि आफताब का परिवार जानता है कि मेरी बेटी कहाँ है, क्या उसके साथ हो रहा है, फिर भी उन्होंने नहीं बताया। लेकिन क्या ऐसी चीज थी जिससे ये पता लग रहा है और अभी भी ये मामला सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं आफताब का परिवार है जो आफताब का साथ दे रहा था, जो जानता था कि श्रद्धा की जान जा सकती है उनके बेटे के हाथों, फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं आफताब को बचाने की कोशिश की, क्या इसके पीछे रीजन हो सकता है? कि आपको भी लगता है कि सच में आफताब का परिवार ये एक बहुत बड़ा दोषी हो सकता है इस केस का? देखिए साक्षी, साफ तौर पर तो ये बात नहीं कही जा सकती कि उसका परिवार भी उसके साथ शामिल हो सकता है, लेकिन हाँ, मैं एक बात यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब कोई बच्चा किसी परिवार में बड़ा होता है, उसकी अपब्रिंगिंग उसी घर में होती है, हमारे पेरेंट्स को, हर एक माता पिता को अपने बच्चे के नेचर के बारे में ज़रूर पता होता है कि हमारा बच्चा गुस्से में या किसी भी एक खुरनस में किस हद तक जा सकता है। ये बात कहीं ना कहीं आफताब के माता पिता जानते थे कि हमारा बच्चा गुस्से में किस हद तक जा सकता है। ये बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी, जबकि वो जानते थे कि श्रद्धा और आफताब लिव इन में रह रहे हैं, इसके बावजूद भी जब वो जानते थे कि श्रद्धा के साथ इतना कुछ हो रहा है, क्योंकि ये बात सामने आई है कि उसके पेरेंट्स जानते थे आफताब के कि श्रद्धा और आफताब लिव इन में रह रहे हैं और आफताब श्रद्धा को परेशान भी कर रहा है, लेकिन ये बात अभी यहाँ नहीं कही जा सकती खुले तौर पर कि उसका परिवार भी इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि जिस वक्त वो लोग यहाँ आए थे, दिल्ली में आकर रह रहे थे, तो उस वक्त ये खुलासा हुआ कि उनका परिवार का आना जाना नहीं था, वो लोग फ़ोन पे कांटेक्ट में रह सकते, और कोई भी बच्चा माँ बाप को बताकर इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा कि मैं किसी की जान लेने वाला हूँ। तो जब ये परिवार सामने आएगा, इनसे जब साफ तौर पर बात की जाएगी, तभी इस बात का खुलासा होगा, लेकिन तब तक किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जी बिल्कुल, ये बात है कि हम तब तक किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन अगर हम ध्यान दें 2020 में श्रद्धा के उस लेटर पर जिसमें श्रद्धा कन्फेस कर रही थी कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, वहाँ उन्होंने साफ तौर पर ये बात लिखी कि आफताब का परिवार जानता है कि कभी भी मेरी जान दे सकता है, यानी कि आफताब के परिवार को अंदाज़ा लग चुका था कि आफताब इस वक्त इस गुस्से में है कि कभी भी कुछ गलत कर सकता है, लेकिन कहीं भी उन्होंने कोशिश नहीं की कि हम किसी भी तरह उसको बचा सके या श्रद्धा के पिता से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं की, तो कहीं ना कहीं वो बराबरी कसूरवार माने जाएंगे इस केस में। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने आफताब के परिवार की बात की, चलिए उस बीच पुलिस छानबीन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा अलर्ट हो चुकी है श्रद्धा की लॉयर, जो कि सीमा है, यहाँ पर निर्भय केस भी उन्होंने ही हैंडल किया था और किस तरह की जीत पाई थी सब जानते हैं, और यहाँ पर भी पूरी कोशिश करें कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। उन्होंने सीधा सीधा पुलिस पर आरोप लगाया है कि पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कहीं ना कहीं कुछ सबूत छोड़े गए हैं। क्या लगता है आपको कि क्या श्रद्धा की वो लॉयर उन सबूतों को ढूंढ पाएंगी?
देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना जो हमारा पहला सवाल था उस पर आना चाहूँगी कि जहाँ माता पिता को इस बात की खबर थी कि हमारा बच्चा किसी भी हद तक जा सकता है, हाँ उनकी यहाँ बहुत बड़ी कमी रही कि वो उस चीज़ को सुधार सकते थे, ज़ोर ज़बरदस्ती करके भी इस इतने घिनौने अपराध को रोका जा सकता था, जहाँ बच्चे की खुशी से ज़्यादा उसका भविष्य खतरे में था, वो बच्चे को वापस लेकर आ सकते थे, वो पुलिस के पास जा सकते थे, श्रद्धा की जान बच सकती थी, आज सब कुछ नॉर्मल होता और हम आज इस बारे में बात नहीं कर रहे होते और श्रद्धा जिंदा होती। बाकी मैं सीमा पर आती हूँ, जो लॉयर सीमा है, देखिए चाहे वो आरुषि कांड रहा हो जो 2008 में हुआ था, या फिर निर्भया केस रहा हो, या फिर अब ये श्रद्धा का जो मर्डर हुआ है, इन सभी में एक चीज़ बहुत कॉमन रही है कि जहाँ सबूत मिटा दिए जाते हैं, जहाँ सबूत हाथ नहीं आते, केस बहुत लंबा खिंच जाता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि पुलिस के हाथ जो लेटर लगा है, पुलिस की कमी है, मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ कि अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। सीबीआई को जाने से पहले भी जो बातें की जाती हैं, अगर पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट स्टेप से सही तरीके से शुरू करे, पर्सन बाय पर्सन अगर वो कांटेक्ट करते हैं, हर एक इंसान से जानकारी लेते हैं, तो शायद इतना ज़्यादा सबूतों का ना तो मिसयूज़ होगा, ना ही वो ख़त्म होंगे। तो अगर सबूतों को ध्यान रखा जाए तो हो सकता है कि पुलिस जो नतीजा है उस पर अच्छे तरीके से पहुंच पाए। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ साक्षी। बिल्कुल, क्योंकि अभी जिस तरह से वो अलर्ट दिखाई दे रही है और उन्होंने अपना बयान भी दिया कि वो आखिर किस तरह से इस केस की छानबीन करेंगे और अब अपने हाथ में इस केस को ले रही हैं, क्या क्या चीज़ों की कमी है उन पर पूरा ध्यान देंगे, तो यहाँ पर लग रहा है कि बहुत जल्दी श्रद्धा को इंसाफ मिल ही जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर हर कोई या हम आम लोग भी कहें तो बार बार कोशिश करें कि श्रद्धा को इंसाफ मिले, हम मांग कर रहे हैं कि श्रद्धा को इंसाफ मिले, जस्टिस फॉर श्रद्धा। लेकिन अगर मैं बात करूं और बाकी केसेस की, बहुत सारे केसेस होते हैं लेकिन किसी को भी इंसाफ इतनी आसानी से नहीं मिलता, या कहे कि उनके गुनहगारों को सज़ा इतनी आसानी से नहीं मिलती। जिस तरह से आफ्ताब जेल में बंद बहुत आराम की ज़िंदगी जी रहा है, हमने देखा जो उसकी मांग है उन्हें पूरा किया जा रहा है, क्या लगता है आपको कि क्या आफ्ताब को उतनी जल्दी वो सज़ा मिल सकती है जो उसने किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अभी तक कोई रिग्रेट तो दिखाई नहीं दिया। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं साक्षी, कि आफ्ताब का जो नेचर है, हम सबसे सुनते आए हैं कि वो एक साइकिक, उनका जो नेचर है वो वैसा रहा है, चीज़ों को जैसे एक नॉर्मल क्रिमिनल होता है वो चीज़ों को जिस तरीके से लेता है वो उस तरीके से नहीं है। वो अच्छा खाना मांग रहा है, वो बोल रहा है मुझे साफ़ कपड़े चाहिए घर से, मैं जेल का खाना खा के ऊब चुका हूँ, मुझे बाहर से खाना मंगवाइए, ये किस तरीके का रहन सहन है। इनफैक्ट हालत इस हद तक आ चुकी है, जो जिस सेल में आफ्ताब बंद है उसी सेल में रहने वाले जो दूसरे कैदी हैं, जो शायद उतना ही बड़ा जुर्म करके या कोई भी जुर्म करके उसके बराबर में रह रहे हैं, वो खुद खौफ ज़दा है इस केस से, वो डरते हैं आफ्ताब के साथ रहने से, क्योंकि आफ्ताब रात में चिल्लाने लगता है, कभी श्रद्धा का नाम लेता है, कभी अपने घर वालों का नाम लेता है, कभी कोई भी बात ऐसी करते हैं कि उसके साथ रहने वाले लोग उससे घबराए हुए हैं। फिर आफ्ताब, तो मैं क्या बोलूँ इस बारे में, ये इतनी आफ्ताब के बारे में बातें ख़त्म ही नहीं होती है। बाकी बात रही आफ्ताब के केस की, मुझे ऐसा लगता है जैसे ही फॉरेंसिक को जो उनके सवाल हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, पुलिस को अपने जवाब मिल जाएंगे, वैसे मुझे लगता है हमें भी जवाब मिल जाएंगे। ये केस बहुत हद तक क्लियर था, लेकिन जब तक श्रद्धा का जो बॉडी पार्ट्स कंप्लीटली नहीं मिल जाते, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये केस जल्दी से सॉल्व होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट्स कुछ रह रहे हैं, जैसे कि श्रद्धा का हेड अभी रह रहा है जो कहीं ना कहीं इस केस को पूरा करता है, और अभी तो ये भी सुनने में आया कि पुलिस ने हार मान ली है कि वो अब उन पीसेस को नहीं ढूंढेंगे, अब जो होगा अब इसी केस में इन्हीं चीज़ों से होगा। तो अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बाकी है, लेकिन हमें बहुत सारे सवालों के जवाब आज मैम से मिले, क्योंकि आपने क्लियर करने की कोशिश की कि आखिर इस केस में क्या छूट रहा है और कौन क्या कोशिश कर रहा है, क्या गुनाह आफ्ताब के परिवार का है या फिर पुलिस का है। तो यहाँ पर इंतजार रहेगा उस इंसाफ का जो लगातार लोग मांग कर रहे हैं, जिसकी श्रद्धा के परिवार मांग कर रहा है, जिसमें लगातार श्रद्धा के पिता सामने आकर बोल रहे हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ दो, और जो है मांग कर रहे हैं कि आफ्ताब को उसके गुनाहों की सजा दो जो कुछ उसने किया। लगातार ऐसी डिबेट्स आपके बीच लाते रहेंगे, उसके लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइफ।